बुक शॉप तो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा बुक शॉप से रिलेवेंट है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि कमेंट बॉक्स, तो ज़्यादातर हम लोग की आदत होनी चाहिए कमेंट बॉक्स में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की। नीचे मैंने नहीं किया है, वैसे बाद में और कर दूंगा अगर रिक्वायरमेंट होगी तो। हम कमेंट बॉक्स की भी हैबिट डालना चाहिए। तो यहाँ पे बुक शॉप, जैसे कि कल आपको पूछे थे ना बुक शॉप से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, तो एज इट इज सेम नहीं है कि जैसा आप उसमें क्वेश्चन में दिया, आप थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी करोगे, लेकिन यहाँ पे बुक शॉप से रिलेवेंट थोड़ा सा वर्किंग हो रही है। तो इसको देख लेते हैं, इसी से रिलेवेंट आप अपना जो बुक शॉप का वो क्वेश्चन था वो भी सॉल्व कर पाओगे, उम्मीद ऐसे ही है। ना हो तो बताना, फिर उसमें और हम अपडेशन करवा देंगे। तो यहाँ पे वापस हम जाते हैं बुक शॉप वाले में। तो बुक शॉप में क्या है, बुक शॉप, ये जो हमारा क्लास का नाम यहाँ पे लिया गया है वो इस तरह से है, बुक शॉप, और उसके बाद THODS। आगे जो और आपने मेथड्स हैं उनको आप और कर, बुक शॉप मेथड्स हमारे पूरे आ जाते हैं, यानी कि मेथड, हमने क्लास का एक नाम प्रोवाइड किया बुक शॉप मेथड। अब इसके अंदर क्या क्या वर्किंग कर रहे हैं, इससे पहले वाले में हमने स्कैनर शायद आप लोग को, सॉरी बफर रीडर बताया था, यहाँ पे स्कैनर है, और लैब में भी हम लोगों ने स्कैनर का ही यूज़ किया था। तो हमें इस स्कैनर का यूज़ करने के लिए इस पर्टिकुलर पैकेज को इंक्लूड करना ज़रूरी है, यूटिलिटी पैकेज जो हमारा पास है उसको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम इस स्कैनर क्लास का यूज़ कर पाएंगे, यानी कि इनपुट आउटपुट से रिलेवेंट हम वर्किंग परफॉर्म कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, एक इंटीजर टाइप का एन ले लिया जिसमें हमने 2 की वैल्यू प्रोवाइड कर दी गई है। रिमेनिंग, ये सारे हमारे फील्ड्स या फिर डेटा मेंबर्स आप बोल सकते हो है, जिनमें हम क्या काम कर रहे हैं, ये हमारे पांचों के पांचों क्या है, हमारे पास एरेज है। ये स्ट्रिंग टाइप का एरेज है, टाइटल, ऑथर हमारा एरे आ गया, फिर पब्लिशर एरे आ गया। अब इनमें देखेंगे सब में हमने एन पास किया गया है, यानी कि एन की वैल्यूज हम कहीं ना कहीं कंसीडर कराएंगे, जो एन की वैल्यूज एग्जिस्ट क्या करती है, 2। तो हमने एन की वैल्यूज 2 प्रोवाइड कर दी, तो सारा एरे हमारा कितना बना, सारा एरे हमारा 2 का बना। इसका एडवांटेजेस क्या मिलेगा, ज़्यादातर ये काम हम लोग क्या करते हैं, अगर जब हम लोग सी पढ़ते थे तो हम लोग माइक्रोज बना लेते, तो इसको भी हम ग्लोबल भी बना सकते हैं इसके ऊपर का भी इस पार्ट में, तो वो भी फायदा मिल जाता है हमें, एडवांटेजेस मिल जाते हैं, ताकि एक बार हमने 2 वैल्यू असाइन कर दी सारे एरेज हमारे 2 के हो गए, तो यानी कि ऑलवेज 2 रिकॉर्ड मेंटेन हम कर सकते हैं। अब बुक शॉप में एग्जाम्पल के फॉर्मेट में 2 हमने असाइन किया है वैल्यूज, इससे ज्यादा आप जितनी चाहोगे उतनी आप मेंटेन कर सकते हो, ले सकते हो। इसके बाद हम आते हैं डेटा सेट में। डेटा सेट में जो हमने मेथड बनाया है, इसके अंदर एक फॉर लूप को अप्लाई करा दिया गया, i=0, i<n, क्योंकि 0 जो है तो 0 1 होगा, लेस देन n है तो 2 नहीं रिपीट करेगा, यानी कि 2 हमारे कंटेंट, 2 हमारे पूरे रिकॉर्ड्स मेंटेन हो सकते हैं। इजी ये पैटर्न लिखे हुए हैं, इसमें कुछ और नहीं किया गया है। एंटर द टाइटल ऑफ जो भी i+1, हमने क्यों मेंशन करते हैं, i हमारा 0 है तो अच्छा नहीं दिखाई देगा, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू दिखाई देगी। तो पहली बुक के लिए आपको टाइटल प्रोवाइड करना है, ठीक, फिर सेम उसी काम के लिए ऑथर प्रोवाइड करना है, फिर पब्लिशर प्रोवाइड करना है, फिर कॉस्ट उसकी प्रोवाइड कर देना है, और इसके बाद आपको कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी, एंटर द नंबर ऑफ बुक्स प्रेजेंट इन द बुक शॉप, तो कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी आप मेंटेन करना चाहते हो इसको आप यहाँ पे मेंशन कर दो, ठीक है। इतना मेंशन के बनने के बाद आप नेक्स्ट लाइन करके छोड़ दो, ये हो गया हमारे। और इसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमने इस पूरे मेथड को यहाँ से ओपन किया था और ये क्लोज कर दिया था, फॉर लूप का भी यहाँ पे वाइंड अप हो गया, यानी कि हमने डेटा को उसको इनपुट लेके स्टोर कर दिया गया है। नेक्स्ट काम आ गए सर्च में, जैसे कि शायद आप लोग कुछ सर्च के लिए पूछ रहे थे, तो कैसे सर्च होगा और कैसे डिस्प्ले होगा, है ना। इंट आई सिस्टम, अब ये आपके पे है किस तरह से आप लिखना चाहते हो, इसकी पे आपकी डिपेंडेंसी सिर्फ डेकोरेशन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप जिस तरह का डेकोरेशन प्रोवाइड करोगे आप वो डेकोरेशन प्रोवाइड कर दोगे। तो यहाँ पे मैसेज है बुक्स प्रेजेंट इन द बुक शॉप्स आर, यानी कि ढेर सारी जो हमारी बुक्स हैं वो कौन कौन सी बुकें हैं उनको दिखा देगा।
फॉर लूप अप्लाई कर दिया गया है आई प्लस वन, क्योंकि जीरोज के भी डिस्प्ले होने में बेटर दिखाई दे इसलिए वन की वैल्यूज आए, और सारे टाइटल अब क्योंकि एन तक है और सारे हमारे आई की वैल्यूज के बेस पे प्रिंट हो रहा है, और क्या चीज प्रिंट हो रहा है सॉरी टाइटल को हम प्रिंट करा रहे हैं, तो इसका मतलब जितनी भी बुक्स हैं सारा डेटा ना होके उनके केवल टाइटल टाइटल डिस्प्ले होंगे। टाइटल के बेस पे अगर आपको कुछ सर्च करना होगा तो आप इजीली सर्च कर सकते हो। यहाँ पे हमने एक टाइटल के लिए की यूज कर ली है, स्ट्रिंग टाइप की है, यानी कि आप इतने टाइटल में से जो भी टाइटल आपको लगता है वो आप टाइटल इसमें एंटर कर दो, तो जैसे ही आप इनपुट लोगे वो इसके अंदर आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा वेरिएबल में। एक फ्लैग ले लिया है चेक करने के लिए। अब यहाँ पे हमने क्या है फॉर लूप को अप्लाई कर दिया है। फॉर लूप क्या चीज चेक कर रहा है, टाइटल इज इक्वल टू टाइटल डॉट आई, यानी कि जो भी अभी आपने एंट्री की है उसको कंपेयर करा रहा है जो एरे के अंदर टाइटल्स हैं उनसे। अगर जैसे ही मैच कर जाए तो फ्लैग हमारा प्लस हो जाएगा, अभी हमारा फ्लैग है जीरो, जैसे ही मैच कर जाएगा फ्लैग हो जाएगा प्लस और ब्रेक कर जाएगा, यानी कि जो भी वैल्यूज हमारी मैच करेगी वहां से हमारा फ्लैग प्लस करके और ब्रेक कर जाएगा। अब यहाँ पे हम जैसे ही ब्रेक करेगा तो हम वापस आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। इफ फ्लैग नॉट इक्वल टू जीरो, अगर जीरो नहीं है तो फिर जहां पे ब्रेक किया है यानी कि आई की वैल्यूज, अब ये भी थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा क्या आई आपने जो वैल्यूज इसमें ली है ये आई आपने डिक्लेयर कहाँ पे किया है। जब तक आप ग्लोबल डिक्लेयर नहीं करोगे आई को तब तक आपका आई के अकॉर्डिंग वर्क नहीं चल रहा होगा। तो आप ये देखोगे कि हमने आई कहाँ पे डिक्लेयर किया है, मेथड के अंदर कहीं पे, ये देखो इस मेथड पूरे मेथड के लिए सर्च के लिए वैलिड है, तो आई को आप इसलिए जैसे ही ब्रेक होगा तो आई की वैल्यू डिस्ट्रॉय नहीं हुई होगी। अगर हम इसमें खाली इस पर्टिकुलर फॉर लूप में इस आई को डिफाइन करते तो इसकी वैल्यू डिस्ट्रॉय होती है, वो बाहर तक नहीं आती, लेकिन जहां पे हमने फ्लैग को प्लस करके इस ब्रेक कर दिया तो आई ने वो वैल्यूज स्टोर कर ली अपने पास जहां पे उसकी जो वैल्यूज उसमें एग्जिस्ट करती है। तो अब सेम आई की वैल्यू हमने सब में चला दी, टाइटल के लिए, ऑथर के लिए, पब्लिशर के लिए, कॉस्ट के लिए और काउंट के लिए, ठीक है। तो इतने काउंट के लिए आपने चला दी तो हमारी सारी वो वेब पब्लिशर्स की वैल्यू डिस्प्ले करना चाहिए। अभी मैं इसको रन करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। अगर हो सकता है कि जीरो मतलब नॉट जीरो हो, अगर जीरो आता है तो फिर दे दे बुक्स आर नॉट प्रेजेंट इन स्टोर, इतना तो सर्चिंग में हो जाएगा। अब इसके बाद हम मेन में आ गए और मेन भी हम कॉलिंग कर लेते हैं। हमने ऑब्जेक्ट बना लिया ओबी, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने क्या किया है ट्रू वाली कंडीशन व्हाइल लूप में जो ऑलवेज हम लोग मल्टीपल चॉइस के लिए यूज करते हैं वो हमने यूज कर ली है, यानी कि यहाँ पे हमने जब तक कि व्हाइल लूप ट्रू रहेगा तब तक वो रन कराता रहेगा और हमसे मैसेज पूछता जाएगा। मेन मीनू में आएंगे, मेन मीनू के लिए हमने डिस्प्ले कराने के लिए कंटेंट यूज किया, यानी कि हमने स्क्रीन पे प्रिंट किया हो। अगर वन एंटर करे तो डेटा एंट्री के लिए पूछे, दो सर्चिंग के लिए और तीन प्रिंट कर दोगे तो आप एग्जिट हो जाओगे, बाहर निकल जाएंगे हम लोग। सीएच के अंदर यूजर से इनपुट ले लिया है चॉइस, इन तीनों में से आपको कौन सी चॉइस प्रिफर करेंगे आप उसके लिए चॉइस दे दोगे। सीएच को स्विच केस में डाल दिया, सीएच को स्विच केस में हमने पुट कर दिया। उसके बाद ओबी डॉट सेट डेटा कॉल कर लिया, जो भी डेटा के अंदर वैल्यूज थी उनको हम डिस्प्ले करा दे रहे हैं। सेम यही काम हमने तीनों में कर लिया है। अब हम इसको रन करते हैं और रन करा के दिखाते हैं आउटपुट किस तरह से आएगा। सिस्टम डॉट एग्जिट अगर आप यूज कर लोगे तो टर्मिनेट करेगा पूरे प्रोग्राम के लिए। नहीं बस भाई
टेस्ट क्लास कौन सा? बुक शॉप। अब जैसे ही हमने पूछा तो हमें ये मीनू डिस्प्ले कर दिया गया, क्योंकि हम मेन में आए होंगे और हमने मीनू क्रिएट किया है। तो जैसे ही हमने पूछा गया तो वो ये मीनू आ गया। अब मीनू आपको यहाँ पे डेकोरेटेड दिख रहा हो, यहाँ पे अनडेकोरेटेड दिख रहा होगा। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे दो दो टैब लगाए गए हैं, यानी कि यहाँ पे दो दो टैब की डिस्टेंस आया है, और इसके बाद नेक्स्ट लाइन का ऑप्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, इतना सही में आया होगा। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट लाइन प्रोवाइड कर दी, यहाँ पे हमने नेक्स्ट लाइन में फिर से टैब प्रोवाइड कर दी गए। तो जितने आप मेंटेन जितना मेंटेन कर लोगे, इसमें मेंटेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा आपका, उस तरह से मेंटेन हो जाएगा। इसके बाद आपसे चॉइस पूछ रहा है, जो हम लोगों ने यहाँ पे एंटर द चॉइस फॉर मीनू, तो ये हमने एंटर द चॉइस फॉर मीनू के लिए प्रोवाइड करा दी गई है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें चॉइस प्रोवाइड करेंगे, तो यानी कि हम डेटा की एंट्री कर रहे हैं। टाइटल एंट्री करनी है बुक के लिए, टाइटल एंटर करना का, क्योंकि हमारे पास दो बुक्स का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। तो हम अगर जावा पढ़ रहे हैं तो जावा सी आर, ठीक। अब जावा की सी आर प्रोवाइड कर दी। अब हम एग्जैक्टली ऑथर जो है आपके सी आर के, उनको आप ऑथर प्रोवाइड कर सकते हो, ब्लैक बुक के ऑथर प्रोवाइड, जो भी आपके हैं। तो यहाँ पे हम एक्स वाई जेड प्रोवाइड कर देते हैं। पब्लिशर, बुक की कॉस्ट कितनी होगी, जो भी आप प्रोवाइड करना, कितनी नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल हैं वो आप बता दोगे। अब इसके बाद यहाँ पे एंटर द टाइटल ऑफ द बुक टू। अब दूसरे के लिए, ये डेटा एक के लिए आपने मेंटेन किया है बुक के लिए, सेम डेटा आपको दूसरी बुक के लिए भी मेंटेन करना है। तो एक मिनट, बाला, मतलब वैसे तो अगर आप कहोगे तो बाला गुरुस्वामी होता, तो मैंने बाला बन कर दी है। ऑथर, अच्छा और बाई चांस बी ए दे दिया, क्योंकि ऊपर हमारा जावा बुक होनी चाहिए थी, नीचे बाला होनी चाहिए थी। पब्लिशर्स बीबीसी, एंटर द कॉस्ट, जैसे इसकी कॉस्ट थोड़ी सी कम है। बुक्स अवेलेबिलिटी में दोनों की एंट्री करके हमने स्टोर कर दिया है। अब ये जो एंट्री हुई होगी, वो एंट्री कहाँ से हुई है, जो अभी अभी हम लोगों ने डेटा सेट किया था दो की वैल्यू उसके लिए, उस ये डेटा हमसे एक्सेप्ट कर लिया गया और दोनों डेटा हमने एंटर करा दिए गए। तो जो बुकें होंगी वो आपने एंटर कर दी होंगी, या आपसे कोई क्वेश्चन डिफर कर रहा होगा एंट्री के लिए, तो जो जो एंट्री के लिए डेटा मांग रहा होगा आप वो डेटा एंटर इसमें करा देना। इसके बाद क्या आएगा, सर्च करनी है बुक, तो आप टू प्रेस कर दोगे और सर्चिंग के लिए भी आ जाओगे। जैसे ही सर्चिंग पे आप क्लिक करोगे, तो हमने क्या कहा, जो बुकें अवेलेबल है उनकी इंफॉर्मेशन प्रिंट हो जाएगी। तो जावा में एक सीआर है और दूसरी है बाला की, बाला वन टाइटिंग। तो आप यहाँ पे देखोगे सर्च में आए हम, तो सर्च में हमारे पास क्या था, सर्च में सबसे पहले टाइटल को प्रिंट कराया गया है। तो टाइटल में हम लोगों ने क्या दिया, अगर यहाँ पे अगर आप चेक कर लो, तो ओल्ड में हमने टाइटल में प्रोवाइड क्या कंटेंट किए हैं, टाइटल में एक में सीआर है और दूसरे माले में टाइटल है बालावन। तो यहाँ पे सीआर और बालावन को प्रिंट करा दिया गया है। यहाँ पे भी और स्पेस को थोड़ा मेंटेन कर लेंगे तो और डिफरेंस के साथ अच्छा दिखाई दे रहा होगा। अब आपको इन दोनों में से सर्च कौन सी करनी है, अगर आपको सी आर सर्च करनी है तो आप ये ध्यान रखो कि कैपिटल में दिया है और स्मॉल में दो अलग होंगी, तो आप सी आर के लिए एंट्री कर दो। तो यहाँ पे अच्छा, जावा सी आर थी, केवल सी आर नहीं थी, क्योंकि हमने गलत एंट्री की तो बुक्स नॉट अवेलेबल इन द स्टोर प्रोवाइड कर दिया। हमें क्या करना था, जावा सी आर, चॉइस की जगह हम कुछ और डालेंगे तो अरेरी आएगी।
वापस सर्च पे आ जाते हैं, तो हमें क्या है, जावा। जैसे ही हमने सही एंट्री किए तो हमारे पास उससे रिलेवेंट जावा सी आर एक्स वाई जेड पब्लिशर का नेम कॉस्ट और सारी चीज़ें कंटेंट अवेलेबिलिटी में प्रोवाइड कर दिया गया है। तो ये दोनों हमारे वन और टू वर्किंग कर रहे हैं, और तीसरा आप एंट्री कर दोगे तो एग्जिट कर जाओगे, हम प्रोग्राम से भी बाहर आ चुके हैं। अब इसमें रिमेनिंग में आप जो आपको हम लोगों ने प्रोग्राम दिया था उसमें उसको आप अब थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा तो अपडेट कर सकते हो। जो जो मिस्टेक्स अभी होंगी बेसिक बनाया है इसमें और ज़्यादा अपडेशन किया जा सकता है, जैसे कि एक्सेप्शन को आप हैंडलिंग करना। खैर एक्सेप्शन अभी हैंडलिंग तो पढ़ाया नहीं है, तो आप अपने एंड से देख सकते हो। रिमेनिंग स्पेसेस प्रोवाइड करना और जितनी चीज़ें उसके अंदर प्रोवाइड की गई हो उनको करना। अगर बाई चांस नहीं होता तो आप दोबारा से बताना, मैं और अपडेट करके एक्सप्लेन कर दूंगा। खैर ये तो हमारा हो गया इस छोटे से बुक शॉप को मेंटेन करने के दो तीन ऑप्शंस, यानी कि आपने बुक को स्टोर किया है और उसको डिस्प्ले कराया है, इतना काम। अब इसमें से किसी को कुछ पूछना है, समझ में नहीं आया तो पहले वो बताओ। अवेलेबल में है बच्चे? अब मेरी वॉइस आ रही यस थी, सर, यस कुछ पूछना है? नो सर, समझ नोट तो कर, सर, हाँ ये थोड़ा, हाँ सर सर, थोड़ा मतलब जो पूछो। पहले तो सर, कहाँ पे पूछना है? नहीं सर, अब मुझे नोट करना था तो मतलब मैं पहले समझ रहा था, मैंने थोड़ा नोट किया था, या तो सर आप ये शेयर कर दीजिए या मैं, शेयर करने को तो मैं शेयर कर दूंगा, गूगल क्लासरूम में अपलोड भी कर दूंगा। ओके लेकिन एक काम जरूर करोगे कि भले आप एक बार इसको कॉपी करो, लेकिन इसमें जो है ना स्टार्टिंग की जो बेसिक चीज़ें हैं, एक एक दो दो, जैसे आपने सारा ना एक एक दो दो जो कंटेंट है उनको टाइप करके ज़रूर देखना। होता क्या है ना, कॉपी पेस्ट से फिर आपको याद नहीं होगा, ये दिमाग में रखना। और आपसे जब पेपरों में आएगा तो आपको एकदम एग्जैक्टली सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, है ना? तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, एक एक जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको ज़रूर रिप्लेस स्पेसिफिक, जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो सर्चिंग वाले में है वो इतना मेन पॉइंट है, और इसमें जो फ्लैग का रोल है इसको आपको टाइप करके ही यूज़ करोगे तो ही याद होगा, नहीं तो फिर दोबारा आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो फिर इश्यूज होगा। रिमेनिंग तो एक लाइन, इसमें खाली एक लाइन लिखनी है, उसके बाद तो आपकी सेम चीज़ रिपीटेशन है ना? और तो कोई स्पेशल चीज़ है नहीं। स्विच केस हम लोगों को पहले से बनाना आता है, अगर इसमें कोई इशू हो तो देख सकते हैं। रिमेनिंग हमारा बेसिक है सारा, तो मैं गूगल क्लासरूम में इसको अभी अपलोड कर दे रहा हूँ, तो आप फर्दर इसके आगे वर्किंग कर सकते हो इसमें, और उसको अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन दिया था उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। इतना क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, फिर इसको वाइंड अप कर रहे हैं हम, और आपको आओ इससे रिलेवेंट आज का एक ट्यूट का, हम अभी इसको लॉगिन रखेंगे अपने टाइम तक के लिए, और ट्यूट के में आप एक दो क्वेश्चन जो है हमारे सॉल्व कर देना। क्योंकि ट्यूट में टाइम कम बचा, वैसे तो मेरे पास ये दो क्वेश्चन थे, दोनों में से एटलीस्ट अगर हो जाए तो दोनों सॉल्व कीजिए, नहीं तो फिर आप नोट कर लो इनको। चलो रुको, इसको भी मैं अभी अपलोड कर दूंगा गूगल क्लासरूम में, तो आप वो भी वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ से नोट करना, नोट कर लो, मैं लॉगिन रहूँगा, कहीं पे आपका कोई किसी तरह का कोई इश्यूज आता है, किसी तरह का कोई इश्यूज आता है तो आप दोबारा से बता देना, तो मैं समझा दूंगा किसमें क्या करना है। क्लियर है? ये हमारा बेसिक इफ कंडीशन से बन जाएंगे, और ये वाले हमारे जो अभी प्रोग्राम दिखाया उसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, आपका जो डेटा मेंबर हमारे हैं बैंक अकाउंट मेंटेन करने का, डिपॉजिट करने का। ठीक है, उम्मीद है कि आसानी से हो जाएगा, ना हो तो भाई बता देना। ठीक है,